बैंक से पैसे निकलवाकर देशराज फाजिलका बस स्टैंड से अपने घर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए निकला तो पीछे से एक छोटे से लड़के ने आवाज दी, अंकल आपकी शर्ट पर कुछ गंदगी लगी हुई है, इसे साफ कर ले। तकते में देशराज ने अपनी शर्ट साफ करने लगा और पैसे वाला बैग अपने पैरों में रखकर जैसे शर्ट साफ कर रहा था उस लड़के ने देशराज का बैग गायब कर दिया और बस स्टैंड से भाग निकला। इस लड़के के साथ एक 18 से 20 साल का लड़का और भी था जिसने बैग झपटते ही अपने कंधों पर बैग लटकाया और आंखों से एक मिनट में ही ओझल हो गया। इसका फाजिलका सिटी पुलिस को दी गई तो उन्होंने फाजिलका बस स्टैंड में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए जिसमें दोनों लड़कों की तस्वीरें साफ दिखाई देने लगी और उनके पीछे दो और लोग जिनके सर पर सफेद रंग के गमछे लपेट हुए थे वह भी नजर आए, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम इन चार लोगों ने ही दिया है जबकि पीछे आने वाले दो लोग मास्टरमाइंड लगते हैं और भागने वाले दोनों लड़के बैंक से ही देशराज के पीछे लगे हुए थे। फिर मैं उस कुछ समान लैना सी उत्थे मेरियां बाजार च उस चलिया गया उत्थे लै के मुड़िया तो फिर उत्थे जूस पीता उत्थों उन्होंने मगर गन से कौन सी है मैं किस तरह के बच्चा सी या जवान सी छोटा है छोटा दो जने से कितने पैसे से की समान सी कापियां बैंक एटीएम है ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਹੈਗਾ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਕਿਆ ਜੀ ਬੈਗ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਗ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪੈਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪਰ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਪਰ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿਊ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ जागृति लहर के लिए फाजिलका से कैमरामैन सुंदर के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।